शारीरिक चिंता सटीक उपाय, सही चिकित्सा एक्सपर्ट बताए, रोग चाहे कैसा भी हो मिलेगा सही उपचार। देखिए केकेडी न्यूज के साथ हर शनिवार रविवार हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपर्ट उपचार। हर कोई चाहता है कि वो स्वस्थ रहे, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए आप क्या करते हैं ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। हम हर बार कोशिश करते हैं कि आपके सेहत से जुड़ी कोई नई जानकारी आपके सामने लेकर आएं, और आज भी हमने वही किया है। हम आपके बीच एक वीडियो लेकर आए हैं, तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैंसर होता क्या है और यह कितना खतरनाक है, तो इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कैंसर क्या होता है? कैंसर किसी कोशिका के असामान्य तरीके से बढ़ने की बीमारी है। आमतौर पर हमारे शरीर की कोशिकाएं नियंत्रित तरीके से बढ़ती हैं और विभाजित होती हैं। यहाँ तंबाकू के उपयोग से होने वाले कैंसर के बारे में बताना बेहद जरूरी हो जाता है। बता दें कि 20% से अधिक कैंसर के मामले तंबाकू के कारण होते हैं, और अन्य कारण है मोटापा, पोषण की कमी, एक गतिहीन जीवन शैली और शराब का सेवन। वहीं कैंसर के संकेतक पहली बार में काफ़ी अहानिकारक होते हैं, जैसे वजन में कमी, बुखार, भूख में कमी, हड्डियों में दर्द, खांसी या मुंह से खून आना। अगर किसी भी व्यक्ति को ये लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कैंसर जानलेवा रोगों में से एक है। किसी भी उम्र के व्यक्ति में कैंसर का खतरा हो सकता है, जिसकी वजह खराब लाइफस्टाइल, रसायनों के अधिक संपर्क और खान पान की गड़बड़ आदतों के कारण इसका जोखिम और भी तेजी से बढ़ता हुआ देखा गया है। वहीं कैंसर के कारण पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा मौत के मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं युवा आबादी में इस प्रकार के कैंसर का खतरा अधिक देखा जा रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें मथुरा के सीम्स हॉस्पिटल की, तो सीम्स हॉस्पिटल में JCI मथुरा कालिंदी द्वारा अनुभवी डॉक्टरों के संध्या में कैंसर जागरूकता अभियान के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीम्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए भारत सरकार ने इस साल 9 साल से लेकर 14 साल के बच्चे बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के 2 डोज पहले महीने और 6वें महीने में लगवाने होंगे। इसके बाद जिनकी उम्र 21 साल से लेकर 45 साल के बीच में है, उन मेल और फीमेल को 3 डोज वैक्सीन के लगेंगे, जहां पर यह वैक्सीन पहले महीने में, तीसरे महीने में और 6ठे महीने के बाद लगवाने होंगे। आपको बता दें कि इस वैक्सीन को लगवाने से मेल और फीमेल सर्वाइकल कैंसर, पीनस कैंसर और इडन कैंसर से बचाव कर सकते हैं। इस मौके पर JCI मथुरा कालिंदी की प्रेसिडेंट ममता अग्रवाल, अर्चना अग्रवाल ने कैंसर से जंग जीत कर आए विजेताओं को सम्मानित भी किया। वहीं JCI मथुरा कालिंदी की महिला कार्यकर्ताओं ने सीम्स हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टरों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि डॉक्टरों ने क्या कुछ कहा। डॉक्टर आशीष शर्मा, किडनी रोग विशेषज्ञ, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मथुरा से। आज ये महिलाओं की एसोसिएशन के साथ कैंसर के ऊपर अवेयरनेस के ऊपर ये प्रोग्राम रखा गया है। मैं डॉक्टर ब्रजेंद्र कुमार तिवारी, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी, यहाँ पर सर्जरी देखता हूँ, लेप्रोस्कोपिक, लेजर, एनोरेक्टल, कॉस्मेटिक, गायनिक एंड जनरल सर्जन। ये जो अभी अपना सप्ताह या जो सेमिनार चल रहा है JCI के माध्यम से, ये कैंसर की जागरूकता, उसके उपचार और उसके रोकथाम के ऊपर है। आज हमने जो सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात किया है, ये भारत में दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है, जो कि महिलाओं को और इससे जुड़े हुए जो वायरस होते हैं उससे पुरुषों को भी कैंसर हो सकता है। अभी सर्वाइकल कैंसर में सबसे पहली चीज होती है कि इसका हम प्रिवेंशन जितना अच्छा करेंगे उतनी ज्यादा हमारे मोर्टेलिटी के रेट्स कम होते हैं। प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हर 30 साल पे पैप्समियर करवाना चाहिए हमें। अगर पैप्समियर में हमें लगता है कि कुछ भी हमें कुछ अबनॉर्मल सेल्स मिल रहे हैं, तो हमें उसके आगे HPV टेस्टिंग करवानी चाहिए। बाई चांस हमें ऐसा होता है कि हम पैप्समियर किसी कारण से स्किप कर जाते हैं, तो 5 साल में एक बार तो पैप्समियर डेफिनेटली करवाना चाहिए। दूसरी चीज़, हमें जो अपनी एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि भारतीय सरकार ने अभी बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए भी निकाला हुआ है, आज से अभी इस साल से हम 9 से 14 साल की जो बच्चियाँ होती हैं, जो कि 5th से 10th स्टैंडर्ड के बीच में होती हैं,
उनको दो डोजेस लगेंगे सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन के, ठीक है, जिसको कि हम HPV वैक्सीन बोलते हैं। वो पहले महीने पे और छठे महीने पे लगता है। ये तो बच्चों के लिए हो गया, लेकिन अगर हमारी उम्र 21 साल से 45 साल के बीच में है, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हों, उनको वैक्सीनेशन के 3 डोजेस लगते हैं। एक पहले महीने पे जो हम पहला डोज देते हैं, उसके 2 महीने बाद दूसरा डोज लगता है और 6 महीने बाद तीसरा डोज लगता है। ये करने से हम खुद को सर्वाइकल कैंसर या फिर पीनस कैंसर या फिर एनल कैंसर से बचा सकते हैं और थ्रोट कैंसर से भी, और प्लस इसकी मोर्टैलिटी रेट को रिड्यूस कर सकते हैं। प्राथमिक बचाव के लिए इससे बात की जाए कि शुरुआती दौर में ही है, लेकिन बचाव किए जा सके, कुछ सावधानियां बरती जा सके, तो उसमें क्या रहे? देखिए, पहली चीज जो हम एक सुनते हैं सारे कैंसर से रिलेटेड, स्मोकिंग हम जितना कम करेंगे उतनी ही ज्यादा हमारे सर्वाइकल कैंसर या किसी भी टाइप के कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं। दूसरी चीज, समय पे खाना खाएं, पौष्टिक आहार लें, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। जब हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है तो हमें कैंसर होने का कम खतरा होता है। तीसरी चीज होती है, अगर हम सिर्फ सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो जितने हमारे कम सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं उतना कम हमें इन्फेक्शन जो है इंक्रीज होने का चांसेस होता है। इसलिए प्रोटेक्शन यूज करें, इसकी वजह से और भी जो है हम एक्स्ट्रा एक केयर ले सकते हैं अपने साथ कि हमें ये कैंसर होने के चांसेस ना हो। मैं JCI मथुरा कालिंदी की 2024 की अध्यक्ष ममता अग्रवाल। अच्छा, जो JCI द्वारा आज यहाँ से इस हॉस्पिटल में आपकी तरफ से ये सर्वाइकल कैंसर के बारे में जागरूक किया जा रहा है, क्या क्या? ये आजकल जैसे हमारी खान पान और शैली हो गई है रहने की, तो उसमें बहुत ज्यादा कैंसर हो रहा है यहाँ पे। जैसे कि अभी हमारे डॉक्टर्स ने बताया, बोन कैंसर जो यंग को ही होता है, और माउथ कैंसर, आजकल के सारे युवा से लेके बुजुर्ग तक सब तंबाकू और पान मसाले का सेवन करते हैं, तो उनको। शारीरिक चिंता सटीक उपाय, सही चिकित्सा एक्सपर्ट बताए, रोग चाहे कैसा भी हो मिलेगा सही उपचार। देखिए KKD News के साथ हर शनिवार रविवार, हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपर्ट उपचार।